तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, अभी इनको नहलाया, कट्टू को और सोमू को। ये है यहाँ पे मेरी कट्टू, कट्टू कट्टू, इसकी मूर्ख तोड़ दी है इसने अपनी, इसको मूर्ख लानी पड़ेगी नहीं तो अंदर और पहुँचनी मुश्किल हो जाती है ये। और ये यहाँ पे सोमू, बड़ी शरारती है ये चोमू, चोमू ला, चोमू ला, चोमू चोमू। देखिए हमारी कितनी बड़ी हो गई और भूरे रंग की है ये। और ये इसकी माँ है, परे जैसे गोरू है। और कालू को मैंने अंदर ही रखा है क्योंकि बारिश लगती है, बीच बीच में बारिश की बूंदे, तो फिर बीमार होने का डर रहता है। अभी 2-3 दिन हुए उसको बच्चा दिए हुए। शमू शमू ये आऊं दे हाथ गुटकी हाथ, शमू ला, शमा ला, शमा तू ही शमा, क्या करना, तो ये यहाँ पे कट्टू है और ये है इसकी सोमू, और ये यहाँ पे गोरू, और अंदर है कालू। कालू बच्चू गैया, ये है इसका बच्चू, बच्चू बड़ा खराब है इसका, है ना, पता नहीं नाम रखा है इसका बच्चों ने, पता नहीं क्या रखा है नाम। तो ये कालू, क्योंकि इसको अभी हरा घास नहीं देना 10-12 दिन, तो बाहर भी नहीं बांधा था मैंने, बारिश की बूंदे लगती है और बीमार होने का डर रहता है, तो इसको मैंने अंदर ही रखा था। और सूखी घास दी है, देखिए पूरी बिछा दी है नीचे। और ये है हमारा यहाँ पे बच्चू छोटू सा, ये गोरू है यहाँ पे, ये दोनों है माँ बेटी। तो राम राम, जय माता दी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो पीछे मैंने आपके साथ अपनी गौशाला की वीडियो शेयर करी, और यहाँ पे हमने मंगवाया था रेता, तो ये यहाँ पे उतार रहे हैं, और एक टिप्पर पड़ता है 5600 रुपये का। तो अभी और सामान हमने सीमेंट तो ले आए हैं और रेता भी ले आए हैं, अभी और भी बहुत सारा काम करने को है। और महंगाई बोलो तो इतनी है कि हम जैसे लोगों को काम करना ही मुश्किल हो गया है। तो देखते हैं, पैसों की भी बहुत ज़रूरत है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं
सोच रहे हैं कि कट्टू को बेच देते हैं, थोड़ा सहारा हो जाएगा काउ शेड बनाने के लिए। तो आप भी मुझे कमेंट बताना कि मेरी कट्टू कितने की जा सकती है, मतलब रेट बताना आप भी। ऐसे तो इसको आज भी व्यापारी आए हुए थे लेने के लिए, पर थोड़ा पैसे कम दे रहे थे। तो आप भी बताना, और मुझे बहुत प्यारी है, अपने पशु बच्चों की तरह प्यारे हैं, मन भी नहीं करता देने का, पर मजबूरी के सब कुछ करना पड़ता है। बोलते ही है कि मजबूरी सब कुछ करा देती है, क्योंकि काउ सेट भी ज़रूरी है। ये जो पहले वाली काउ सेट थी, ये पता नहीं कब जैसे ढल जाएगी। और अगर हम नई काउ सेट बनाएंगे तो 2.5-3 लाख तक खर्चा आएगा, वो भी अपनी मेहनत के साथ। तो देखते हैं, भगवान जी के ऊपर है भरोसा। और आप सभी माताओं, बहनों, भाई, बुजुर्गों और छोटे बच्चों के आशीर्वाद से हमारा काम सफल हो और भगवान जी अच्छे से कर दे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से। तो यहाँ पे ये उतार रहे हैं रेता। पशु हमारे गहना होते हैं गांव की औरतों के, जैसे कट्टू है, गोरू है, अब कालू को भी एक पता नहीं भैया जी है वो कि दीदी जी है, कमेंट कर रहे थे कि कालू की तरह गाय चाहिए थी। तो हमने तो अपनी गाय अपने लिए ही रखनी है कालू, क्योंकि ये छोटी सी भी है और चरने भी सारे चले जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ढंग है, तो यहाँ पे जर्सी गायें चरने नहीं जा सकती। और कालू को मैंने खुद अपने हाथों से पाला है, और इसकी माँ को मैंने दे दिया था, क्योंकि पशु बहुत ज़्यादा हो गए थे। उसको भी मेरा देने का मन नहीं करता था, पर मजबूरी के देना पड़ा था कालू की माँ को। और कालू को भी मैंने खुद पाला है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे जो पशु यहाँ पे ही जन्म लेते हैं और छोटे होते हैं, मतलब छोटे छोटे ही पशु यहाँ पे चर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत खतरनाक पहाड़ है, तो इसी कारण मैं कालू को किसी को मतलब देने बेच नहीं रही हूँ। और एक इसकी बच्ची आगे तैयार हो गई है, सबको इस बार इसका बच्चू है। तो गोरू को देखते हैं, अगर काउसेट बन जाएगी तो अच्छा है, जल्दी से नहीं बनेगी तो फिर इतने बांधने भी कहाँ। सप्पू को भी मैंने गांव में छोड़ रखा है, तो देखते हैं क्या क्या करवाएंगे भगवान जी। भगवान जी के ऊपर ही है पूरा जिम्मेदारी। तो सारा दिन थके रहते हैं, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। देखिए कट्टू को, आपने देख ही लिया होगा कि यह कितना प्यार करती है मेरे से। जब मैं कहीं दूर भी दिखती हूँ तो आवाज़ें डालने लग जाती है। और मुझे भी बहुत प्यारे हैं अपने पशु बच्चों की तरह, क्योंकि इन्हीं से ही सुबह होती है और इन्हीं से ही शाम होती है। तो मजबूरी सब कुछ करा देती है। और अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ।